यहाँ आके मेरा नाम लेंगे, आप गिर भी गए थे यहाँ पानी में और मैं भी खुश हूँ, यहाँ कंसेशन मिलने ही वाला है। बिल्कुल जी, समय पर तैयारी कर दी। ये डेंजरस इस वजह से है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम इस समय पे, आपको जैसे पता है, हम हैं उत्तराखंड में और उत्तराखंड में हम हैं शिवपुरी में। कल आए थे, कल हम लोगों ने काफ़ी यहाँ इन्जॉय वगैरह किया, उसकी भी आपने वीडियोस देख ली होंगी। अभी हम लोग जा रहे हैं रिवर राफ्टिंग के लिए। रिवर राफ्टिंग होगी कितने किलोमीटर की, अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया। मे बी हम करेंगे 19 किलोमीटर्स वाली, और पूरे वीडियो में बने रहना, लास्ट तक देखना, बहुत इन्जॉयबल हो गई। अगर आप शिवपुरी आ रहे हो तो रिवर राफ्टिंग ज़रूर करना। और भी आज के दिन में मैं आपको एडवेंचर्स बताऊँगा हमने क्या क्या किए हैं, तो बने रहना वीडियो में। इस वीडियो में मैं राफ्टिंग के बारे का तो आपको दिखाऊंगा और साथ ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे कितने प्राइस में हम लोगों को राफ्टिंग हुई है। अभी तक हम लोगों को भी कंफर्म नहीं है कि हम लोगों से ये क्या चार्ज करेंगे। जो होगा मैं आपको रियलिटी और ट्रू बता दूंगा, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा हम लोगों को कितने चार्जेस लगे। ये वैसे हम लोग जहाँ पर हम वो गंगा वालों के वहाँ पर हम जहाँ पर हमने कैंप लिया ये उनके थ्रू ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जब वहाँ जाएंगे हमने पेमेंट भी वहीं देनी है, तो बने रहना वीडियो में, मैं आपको एक एक चीज़ पूरी बताऊंगा। राफ्टिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोगों से ये वाला फॉर्म फिल किया गया है, तो यहाँ लिखा है ट्रिप एप्लीकेशन, आप ये डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं सारी। और ये मैंने अपना नाम लिख दिया है और ये मेरे फ्रेंड अनिल जी का नाम है। ऐसे तो ये सारे प्राइसेस लिखे हुए हैं, आप देख रहे हैं बंजी जंपिंग वगैरह सबके इन्होंने प्राइसेस लिखे हुए हैं। ये है रिवर राफ्टिंग के चार्जेस, ये देखिए आप, 12 किलोमीटर 1000, 16 किलोमीटर 1200, 26 किलोमीटर 17 और एक है 35 किलोमीटर 3200। ये प्राइसेस सिर्फ इसलिए हैं, आप यहाँ आके मेरा नाम लेंगे, आपको श्योरली यहाँ कंसेशन मिलने ही वाला है। अभी मैं आपको कंफर्म भी बताऊंगा मैंने कितने दिए, पूरी ट्रू आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। फ्रेंड्स, इस समय तैयार हो चुके हैं रिवर राफ्टिंग के लिए और पूरे जोश के साथ हैं यहाँ पर। इसको हम लोगों ने, आप देखो तो मैचिंग हम लोगों ने कैप भी पहन रखी है और लाइफ जैकेट भी पहन रखी है। अनिल जी, इसको पैडल हमारा, जैसे हम हिंदी में चप्पू भी बोलते हैं, ये भी हम लोग अब इससे बोट वगैरह हम चलाएँगे, रिवर राफ्टिंग करते हैं। सच बोलें तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और अभी देखते हैं क्या है, बने रहना वीडियो में। मैं जब जाऊंगा दोबारा अपने वहां पर कैंप में तभी आपको प्राइस बताऊंगा, क्योंकि कुछ ना कुछ मेरे को पता है हम लोगों को काफ़ी लेस मिलेगा इसमें, वही प्राइस मैं आप लोगों के लिए भी लगवा दूंगा। तो ये वाली बोट है जिसमें हम जाएंगे, वाइट स्माइल एडवेंचर लिखा भी हुआ है और ये मेरे ख्याल से बोट का नंबर होता है। भैया इसे बोट बोलते हैं, राफ्ट, सॉरी मैं गलती से बोट बोलता जा रहा था, वैसे इसका नाम होता है राफ्ट, क्योंकि रिवर राफ्टिंग होती है, इसमें अंदर एयर होती है, हवा भरी होती है। अगर शिवपुरी आए और रिवर राफ्टिंग नहीं की तो ये याद रखना, आपका काफी हद तक मैं ये बोलूंगा, आपका जो ये जर्नी है, जो आपका हॉलीडे आप मनाने आए हैं, थोड़ा सा इनकम्प्लीट ही है। हाँ, ये बात है कि जैसे आप अगर एजिड बहुत ज़्यादा हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये राफ्टिंग करिए, इनफैक्ट परमिशन भी यहाँ पर नहीं मिलेगी। ये थोड़ा बहुत चेक भी करते हैं हेल्थ वाइज, तभी आगे करेंगे। अभी कुछ ही देर में हम लोगों को ये ब्रीफिंग करेंगे, ब्रीफिंग के बाद हम लोग यहाँ से अपनी राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बाय। शिवपुरी में क्या है कि रिवर राफ्टिंग तो है ही है, बहुत जैसे बोलते हैं शिवपुरी में अट्रैक्शन है रिवर राफ्टिंग की। इसके अलावा और भी यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, बंजी जंपिंग भी बोल सकते हैं, और भी हैं यहाँ पर। मेरे को तो सच बोलूँ, मैं भी
यहाँ सेकेंड टाइम ही आया हूँ, तो मेरे को इतना पता नहीं है यहाँ पर और भी क्या क्या नाम मेरे को नहीं आते। हाँ, मेरे को यह पता है कि कौन कौन से स्पोर्ट्स की यहाँ एक्टिविटीज हैं। बिल्कुल जी, समय पर तैयारी कर दी। ये देखिए हमारा राफ्टिंग बोट रेडी है, और ये वाली है हमारी बोट, और आगे राफ्टिंग स्टार्ट होने वाली है। हाँ, ये बात है, अभी पहले ब्रीफिंग करेंगे, ये तो मेरे को पता है। तो ये सारा कलेक्ट कर रहे हैं, जिनका हम लोगों का मोबाइल, कोई चाबियां और भी कुछ ऐसी चीज है, ताकि रिवर राफ्टिंग करते हुए गिरे ना। हाँ, जैकेट पूरी लॉक है जी। मेरा नाम है कुलदीप, जो बोट में गाइड करेंगे, एंड सेकंड गाइड है भाई का नाम है सोनू भंडारी, जो सेकंड बोट में गाइड करेंगे। साइड में बैठेंगे, थोड़ा स्ट्रांग पैडलर बैठेंगे, जो अच्छा पैडल करेंगे, ठीक है। उनके लिए क्या है, आगे फुट कप्स मिलेंगे ऐसे। तो अभी ब्रीफिंग हो चुकी है, अच्छे से इन्होंने समझाया कैसे फ्रंट बैक रिवर्स सेविंग के टाइम पे कुछ कोई गिर जाए तो क्या करना है, सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन कर दी, और हम लोगों ने सब ने अच्छे से सुन भी लिया। होप्स हो कि हम सब उसको फॉलो भी करेंगे, काफ़ी डेंजरस राइड होती है ये, इसलिए ये सारी ब्रीफिंग की इन्होंने। तो अभी मैं अपना मोबाइल इनको दे रहा हूँ, इनके पास ऐसे होता है जो पाउच होता है वाटरप्रूफ, ये मोबाइल वगैरह सब अपने पास रख लेते हैं फॉर अ सेफ्टी, कहीं रास्ते में गिर ना जाए या कुछ ऐसी चीज़। तो ठीक है, कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ अगर हम लोगों के पास है तो हम लोग इनको सबमिट कर देते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते हैं रिवर राफ्टिंग। ये मेरे फ्रेंड अनिल जी इस समय पे रिवर राफ्टिंग के बाद, हम बाद नहीं यानी कि इनफैक्ट हम मिडल में ही हैं, और यहाँ सारे इंजॉय कर रहे हैं पानी में उतर के। तो हम लोगों ने टोटल 16 किलोमीटर की यहाँ पर रिवर राफ्टिंग की है, जिसमें 7 रैपिड आए। रैपिड का मतलब आप जानते हैं नहीं जानते, मेरे को नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रैपिड ऐसा चीज होता है, तो पानी का दो तरह से बहाव आ रहा होता है, बीच में पत्थर टाइप भी होते हैं, उसके कारण बहाव इतना, पानी का जो स्पीड है इतनी ज़्यादा तेज हो जाती है कि आप वहाँ, एक मिनट में थोड़ा गिरने लगा था। तो ये क्या है, इतना तेज वहाँ पे स्पीड होती है कि बोट बहुत तेज ऊपर नीचे पानी में जाती है। और इनफैक्ट वन ऑफ माय नोन पर्सन, अभी हम राफ्टिंग के टाइम पे ही मिले, वो गिर भी गए थे यहाँ पानी में, और मैं भी बोट के थोड़ा इस तरफ आ गया था। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और एडवेंचरस है ये रिवर राफ्टिंग। तो कभी भी आप आइए, वंस अगेन बोलता हूँ, आप शिवपुरी में अगर आए हैं तो रिवर राफ्टिंग के बिना अगर जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो अपना हॉलीडे ट्रिप है या जर्नी है ये कंप्लीट हुई है। पूरा आइए यहाँ पर, एंजॉय कीजिए। आ रहे हैं रिवर राफ्टिंग। भैया बहुत बढ़िया से आपने बचाया एक जो गिर गया था पानी में, बहुत जैसे बोलते हैं एक्सपर्ट है ये। एक्चुअली क्या है ना, जब रैपिड आए थे तब हम वीडियोग्राफी नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि वो कैमरास वगैरह जो उनसे जितने एक्सपेंसिव चीज़ें हैं वो अपने पास रख लेते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको, बहुत ही फास्ट रैपिड्स होते हैं, और हम, मेरा फ़ोन इनके पास ही था उस समय, हम लोगों को सबमिट करना पड़ता है। ये एक वाटरप्रूफ अपना बैग है इनका, उसमें वो सेफ के साथ रख देते हैं। अब यहाँ पानी, खड़ा पानी है, तभी मेरे को इन्होंने कैमरा, ये अपना मोबाइल दिया है, और मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ। रिवर राफ्टिंग करते हुए मैं देख रहा हूँ चारों तरफ यहाँ पर ग्रीनरी ग्रीनरी है हर तरफ यहाँ पर, और मजा आया अनिल जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, मजा आ गया जी। मैं तो कह रहा हूँ इच्छा बढ़िया जिंदगी नहीं डाली। अच्छा दोबारा करेंगे रिवर राफ्टिंग? बिल्कुल जी, बिल्कुल आप तो करेंगे 32 किलोमीटर वाली। अच्छा, वेरी गुड। छोटी मोटी नहीं करनी है। हाँ, अब हम ट्रेन। अच्छा, ट्रेन पूरे भाई भाई मिल जाएगा, हम 36 किलोमीटर वाली करेंगे अगली बार। हमने ये जो अभी पूरा रिवर राफ्टिंग की, कहाँ से हमने स्टार्ट की थी? आप लोगों ने शिवपुरी से स्टार्ट किया। हाँ, इसमें 8 रैपिड्स आए। फर्स्ट रैपिड था रिटर्न टू सेंटर, एंड सेकंड था रोलर कोस्टर, थर्ड था इसमें टी ऑफ, फोर्थ था गोल्फ कोर्स, उसके बाद क्लब हाउस, उसके बाद कैच फ्लो, उसके बाद इनिशिएशन, एंड उसके बाद डबल ट्रेवल एंड थैंक आउट। अच्छा, और ये जगह जहाँ हमने एंड किया, आप लोगों का एंड था NIM 20 लक्ष्मण झूला के 200-300 मीटर पीछे में। अच्छा, लक्ष्मण झूला के पास ही, पास में फिनिश। ठीक है, थैंक यू भैया। भैया ने बताया एक्चुअली क्या है कि रैपिड्स इतने सारे हैं, मैं डेली तो इधर आता नहीं, तो मेरे को नाम तो मेरे को पता नहीं था। हाँ, रास्ते में बता रहे थे, मैंने इनसे पूछ के आपको
ब्रीफिंग भी करवा दी कि कौन कौन से रैपिड आए थे। तो अभी हमारी रिवर राफ्टिंग हो गई है ख़त्म, बहुत बढ़िया रहा, बहुत मज़ा आया। हमें ये रिवर राफ्टिंग करने में ऑलमोस्ट हमें लगा 1.5 घंटा, बहुत ही एक्साइटिंग है ये, ज़रूर करिए, लाइफ का एक्सपीरियंस है, अच्छा है, थोड़ा सा डेंजरस है लेकिन फिर भी अच्छा है। ये डेंजरस इस वजह से है कि नहीं है डेंजरस, मैं आप लोगों को क्यों बोलूं, क्योंकि रीज़न ये है कि आप लोग जैसे यहाँ आते हैं, ये प्रॉपर एक्सपर्ट होते हैं, 102% इनको यहाँ पर जब इस जॉब पे रखते हैं तो इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, कोचिंग, और ये कई अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करके जस्ट लाइक स्विमिंग के वो करके यहाँ आते हैं। अभी 18 किलोमीटर्स की जैसे हम लोगों ने राफ्टिंग की है, आपको पता ही है, उसके बाद अब हम जा रहे हैं दोबारा शिवपुरी। 18 किलोमीटर्स हम लोगों को ये अभी वापस लेकर जाएंगे, यहाँ पर हमारी बाइक वगैरह हमने खड़ी की थी। तो अभी अनिल जी ये बैठे हैं, चलो भाई लोग, चलो जी, चलो चलो चले। ये देख रहे हैं जैसे ये वाली राफ्ट बंधी हुई है, वैसे हमारे भी ऊपर छत पे ऐसी राफ्ट बंधी हुई है, हम बैठे हुए हैं इस समय पे और हमें ये लेकर जा रहे हैं शिवपुरी वापस, जहाँ हमारी बाइक खड़ी हुई है,